लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर निकाला था ठीक है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर ये हमने वर्कआउट किया था और अगर हमारे पास कोई लीनियर कंडक्टर हो जो कि आई करंट कैरी कर रहा हो और आर दूरी पर पॉइंट पी हो तो वी कैन फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर फोर पाई इंटू टू आई बाई आर अगर यही पॉइंट एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के कारण अगर हम यही पॉइंट को नियर टू वन एंड ले लें ले, तो मैग्नेटिक फील्ड

डिस्कस किया था नाउ अब हम कुछ और कंपोनेंट्स के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट सो वी विल फाइंड नाउ द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू ए सर्कुलर ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग कैरिंग करंट कैरिंग करंट एट एन एक्जियल पॉइंट एट एन एग्जियल पॉइंट नो बेटा देखिये रिंग जो होता है इफ यू हैव ए रिंग ठीक है और उस रिंग का हमने कौन सा पॉइंट देखना है वी विश टू सी दी एक्जियल पॉइंट ऑफ द रिंग तो रिंग का एक्जल पॉइंट क्या होता है देखिए बेटा अगर हमारे पास ये रिंग है सपोज दिस इज द रिंग आई एम हैविंग और इसके सेंटर से देखिए बेटा रिंग जो है वो ऐसा रिंग को हम ले रहे हैं और बोर्ड पर ऐसे रख रहे हैं एक्चुअली एक्चुअली दिस इज टॉकिंग अबाउट ए प्लेन प्लेन पे रिंग को प्लेस कर रहे हैं और रिंग ऐसे है लाइक like दिस रिंग सर्कुलर रिंग ऐसे है रिंग सर्कुलर रिंग ऐसा है तो मुझे कड़ा चाहिएगा इसको दिखाने के लिए तो आई विल जस्ट हैव ए कड़ा फॉर शोइंग यू आई विल शो यू बाई ए रिंग जरा मुझे एक रिंग दीजिए काइंडली गिव मी अ रिंग तो ये रिंग से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से जो है एनी हो बेटा कोई बात नहीं रिंग अवेलेबल नहीं है तो रिंग जो है आप सोचिए इट इज़ लाइक दिस इन प्लेन ऑफ़ पेपर इन साइड द प्लेन ऑफ पेपर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर लाइक दिस और इस रिंग का जो रेडियस है दैट इज हाउ मच दैट इज आर एग्जियल पॉइंट क्या होता है एग्जियल पॉइंट क्या होता है ना एक्जियल पॉइंट यह देखिए बेटा ना दिस आई विल कन्वर्ट दिस पेपर इन टू ए सर्कुलर रिंग ठीक है बेटा सर्कुलर रिंग में इसको कन्वर्ट करूंगा या आप सोचिए कि ये सर्कुलर रिंग है अगर ये सर्कुलर रिंग है तो इस रिंग को मैं ऐसा प्लेस कर रहा हूँ आई एम प्लेसिंग इट लाइक दिस ठीक है बेटा इस रिंग को मैं ऐसे प्लेस कर रहा हूँ और इस रिंग के कारण इसके एक्जियल पॉइंट पर मैं फील्ड निकालना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालना चाहता हूँ ये पॉइंट पी है ये जो पॉइंट है दिस इज पी और ये सेंटर से x दूरी पर है

रिंग तो ये मैंने स्मॉल पोर्शन डी एल इसमें कटिंग कर दिया और इसको इस पर्टिकुलर डी एल पोर्शन को मैंने पी पॉइंट के साथ जोड़ दिया पॉइंट तो ये पी पॉइंट इस पर्टिकुलर डी एल पोर्शन से कितनी दूरी पर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ आर स्कवायर प्लस एक्स स्क्वायर इस दूरी पर हो गया अब देखिए बेटा इस नाउ <coughs> ये जो मैंने DL पोर्शन काटा है ठीक है इसके कारण पी पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वी वॉन्ट टू सी दैट कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी हम उसे देखना चाह रहे हैं अब आप देखिए बेटा ये एंगल आई सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा ठीक है अब आप देखिए ये रिंग है लाइक दिस लाइक दिस ये रिंग ऐसे है ठीक है बेटा और इसका एक्सियल पॉइंट यहां पर है इसके एक्सियल पॉइंट पर आई वॉन्ट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो मैं मैग्नेट इस डी पोर्शन के कारण आई वॉन्ट टू सी वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर आएगी मतलब डी एल क्रॉस आर तो डी हो गया आपका आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड और आर वेक्टर जो है इस सिचुएशन में वो ये है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ये जो फील्ड है वो कैसे आएगी इसके प्लेन 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 के के यानी और ये जो ये जो है है जिस में उस अब आप देखिए बेटा इस DB को मैं resolve कर सकता हूं बिकॉज फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी इस डी बी को आई कैन रिजोल्व इंटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉम्पोन अब आप देखिए मैं एक कंपोनेंट ऐसे ले रहा हूं परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ द रिंग ठीक है अब आप देखिए बेटा ये एंगल एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन दर परपेंडिकुलर्स तो आप ये देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा ओनली एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स सो दिस एंगल बिकम्स थीटा तो अब आप देखिए इस डीबी के दो कंपोनेंट्स कर दीजिए वन इज डीबी इन

तो क्या रह जाएगा हमारे पास वी विल हैव नेट डीबी sin थीटा तो इस सर्कुलर रिंग के कारण इस सर्कुलर रिंग के कारण जो फील्ड होगी दैट विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग तो इस सर्कुलर रिंग के कारण जो फील्ड होगी दैट विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग ठीक है बेटा अब देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे सारे नेट फील्ड क्या हो जाएगी दैट विल बी समेशन ऑफ डी बी साइन थीटा ठीक है बेटा नेट फील्ड जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ डी बी साइन थीटा अब आप देखिए बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी बी साइन थीटा बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी बी साइन थीटा अब आप इसका हम क्या कर देंगे इसको हम अप कर देंगे अब देखिए बेटा कैसे करेंगे जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड देखिए बेटा ऐसा है कि पूरे रिंग पे रिंग का प्लेन ये है रिंग का प्लेन ये है अगर आप पूरे रिंग पर देखें तो जो थीटा एंगल है दैट विल रिमेन सेम थीटा विल रिमेन सेम ठीक है अब आप देखिए हमने समेश समअप करना है फील्ड को तो दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ डीबी साइन थीटा सो बी नाउ डीबी का मैग्नीट्यूड कितना होगा डीबी का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो डीबी इज इक्वल टू बेटा म्यू नॉट ओवर फोर पाई इंटू आई डीएल है बेटा एल अब जो डीएल है और जो ये वेक्टर है, इसके बीच में एंगल क्या है इसके बीच में एंगल बनेगा 90 का क्योंकि प्लेन ऑफ रिंग इज लाइक दिस ठीक है बेटा प्लेन ऑफ रिंग इज लाइक दिस और dl आपने ऐसे काटा है आर वेक्टर आपका ये है ठीक है बेटा प्लेन ऑफ रिंग इज लाइक दिस तो इसके लिए आई जस्ट शो यू देखिए बेटा प्लेन ऑफ रिंग इज लाइक दिस ये प्लेन है रिंग का ये एक्सियल पॉइंट है रिंग पर ठीक है बेटा ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये दिस पॉइंट पी हेयर इज एक्सियल पॉइंट तो इस पर अगर मैं डीएल काटूंगा तो डी एल वैक्टर की डायरेक्शन करंट में होगी यानी डी एल और ये जो जो पोजिशन वैक्टर है इसके बीच में एंगल कितना हो गया नाइन्टी का सो आई डी एल डी एल और जो ये रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है इनके बीच में वेक्टर हो एंगल हो गया 90 का आप यहां से भी देख सकते हैं ये है रिंग इस तरह से और बेटा डी वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये डी वेक्टर ऐसे हो गया और ये आर वेक्टर हो गया दैट इज पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी इनके बीच में एंगल हो गया नाइन्टी का तो अगर आप इसको देखें तो आई डी एल साइन नाइन्टी बाई आर स्क्वायर क्या है यहां पे रूट ऑफ आर ये हो गया बेटा स्क्वायर का होल कितना है, Sin 90 कितना है? तो आपके पास आ गया म्यू नॉट ओवर फोर पाई आई डी एल ठीक है बेटा अपॉन स्क् रूट ऑफ आर अपॉन आर स्क्वा हमने समअप करना है टोटल फील्ड को तो बेटा उसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूं नो उसको करने के लिए बी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी बी साइन थीटा बी साइन थीटा बी की वैल्यू लिख रहा हूं म्यू नॉट ओवर फोर पाई आई डी एल ठीक है बेटे आई डी एल अपॉन क्या चीज आर स्क्वा प्लस एक्स स्क्वान्टू साइन थीटा अब साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाईपार्टन्यूस ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाई पार्टन्यूस दैट इज इंटू आर अपॉन स्केयर रूट ऑफ आर स्क्वा प्लस एक्स ये लिख सकता हूँ अब आप देखिए बेटा ये अब मैं यहां पर इसको रब करूंगा ठीक है बेटा और यहां पे इसको फर्दर नोट करूंगा तो आप देखिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर फोर पाई इंटू आर इंटू आई आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी होगी थ्री बाई टू की पावर होगी गई थ्री बाई टू इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एल टू डिग्रेल ऑफ डीएल तो अगर आप ऐसे सारे डीएल जो सारों को जोड़ दोगे तो दैट इज टू पाई आपके पास हो जाएगा फील्ड इंटेंसिटी फोर पाई आई इंटू आर इंटू बेटर टू पाई आर बाई क्या चीज बाई आ प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या थ्री बाई टू ठीक है बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू ठीक है बेटे अब आप देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड है वो आउटवर्ड्स है या इनवर्ड्स होगी अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगी बी इज इक्वल टू तो म्यू नॉट ओवर फोर इन टू

अब मैं आपको थोड़ी सी दो तीन बातें बताऊंगा। देखिए अगर आपने किसी सर्कुलर रिंग में डायरेक्शन पता करनी हो मैग्नेटिक फील्ड की तो दैट कैन बी इजीली फाउंड आउट अब देखिए मैं आपको यहाँ पे जैसे एक्सियल पॉइंट पे मुझे फील्ड की डायरेक्शन का पता करना है तो ये मेरे पास अगर रिंग है सर्कुलर रिंग है और बेटा इसमें करंट सपोज कीजिए एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है इसमें करंट सपोज कीजिए एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है तो कर्ल पाम ऑफ योर राइट हैंड इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट ये बेटे थम रूल का उल्टा है कर्ल पाम ऑफ योर राइट हैंड अपने सज्जे हाथ की हथेली को टर्न कीजिए करंट की डायरेक्शन में अंगूठा बताएगा फील्ड की डायरेक्शन तो फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी ये सर्कुलर रिंग के कारण फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटसाइड दी प्लेन ऑफ पेपर अलोंग दी दी इट इज़ आउटसाइड प्लेन ऑफ पेपर ये हो गया ऐसे ये डॉट दिखा दूंगा दिस इज आउटसाइड दी प्लेन ऑफ पेपर अगर यही रिंग होता और इसमें करंट क्लॉकवाइज होता ये देखिए करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो अपने सज्जे हाथ की हथेली अपने दाएं हाथ की हथेली को करंट की डायरेक्शन में घुमा दीजिए अंगूठा जो है वो क्या बताएगा इट विल टेल यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंगूठा आपने देखा होगा थम्स अप ठीक है बेटा अब आप देखिए कर्ल पाम ऑफ योर राइट हैंड इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट सो दी दम गिव्स यू दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड फील्ड कैसे आ गई इन साइड द प्लेन ऑफ बोर्ड तो ये देखिए ए अलोंग दिस द फील्ड इज इन अगर बेटा किसी भी सर्कुलर कॉयल में फील्ड कैसे हो एंटी क्लॉकवाइज होती है तो फेस पे कौन सा पोल बनता है नॉर्थ पोल और अगर किसी भी कॉयल में करंट क्लॉकवाइज हो तो फील्ड इन है यानी कि यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा साउथ तभी वो नॉर्थ पोल को अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा आप साउथ शब्द को भी देख सकते हो एक कॉयल में हमेशा डाई बनते हैं कैसे बेटा अगर कोई आदमी सामने से देख रहा है तो उसको इस कॉयल में करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है लेकिन अगर बोर्ड के दूसरी साइड पर अगर आदमी खड़ा होकर देख रहा है तो उसको इसी कॉयल में करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा तो वहां पे कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा यानी कॉयल के एक फेस पर नॉर्थ बनता है तो दूसरे फेस पर साउथ बनता है ये दो अलग अलग पोल्स जो हैं वो बनते हैं इसी तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल है तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो फील्ड है वो सर्कुलर रिंग इट एक्सिस इट इज पैरल टू द एक्सेस इट इज अलॉन्ग एक्सिस कैसा है एक्सिस है और वो अलोंग दी एक्सेस कितना है ये मैंने आपको बता दिया अगर सेंटर से एक्स दूरी पर जो है पॉइंट पी है विच इज अलोंग दी एक्सिस तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज म्यू नॉट ओवर फोर पाई टू पाई प्लस एक्स बेटा, अगर हमारे पास सर्कुलर रिंग हो और उसमें एन टर्न हो तो सारी फील्ड क्या हो जाएगी एड तो इफ ए कॉइल इफ ए कॉइल है कैरिंग करंट ट हैज एन टर्न कितने टर्न है एन टर्न देन देन ठीक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट is b is equal to mu naught over 4 pi into 2 pi n i r square by r square plus x square ki par 3 by 2. and the magnetic field intensity is given by mu naught over 4 pi 2 pi n i r square by r square plus x square par थ्री बाई टू दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर कॉयल कैरिंग एन टर्न्स देखो बेटा एन टर्न्स का मतलब क्या है हम तार का एक टर्न ये दो टर्न ये तीन टर्न ये चार टर्न ये पांच टर्न ये छह टर्न ये सात टर्न ठीक है इस तरह से वी हैव मेड एन टर्न्स तो सारों की फील्ड क्या हो जाएगी एड हो जाएगी ऑल सारों के कारण जो फील्ड है वो क्या हो जाएगी एड हो जाएगी इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अब आप देखिए बेटा मैंने आपको एक्सप्रेशन बोला इसको याद करने की कोशिश कीजिए न्यू नॉट ओवर फोर पाई टू पाई एन आई आर स्क्वायर स्क्वायर आर प्लस एक्स स्क्वायर की पार थ्री बाई टू तीन चार बारी इसको बोलेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर फोर बाई टू पाई एन आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्र की पावर थ्री बाई टू म्यू नॉट ओवर फोर बाई टू पाई एन आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू तो इस तरह से हम रिंग का एक्सप्रेशन याद रख सकते हैं तो रिंग के कारण जो एक्सियल पॉइंट पर एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड का दैट इज म्यूनाट ओवर फोर बाई इन टू पाई एन आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू ठीक है बेटा अब देखिए अगर हम सेंटर पर निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ ए सेंटर ऑफ ए सर्कुलर रिंग रिंग कैरिंग करंट तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालना चाहते हैं रिंग के सेंटर पर एंड द रिंग इज कैरिंग करंट तो आपको अभी भी मैंने याद कराया था कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर सिंगल टर्न हो नो no टर्न हो सिंगल रिंग हो तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दी एट ए डिस्टेंस एक्स ऑन एक्सियल पॉइंट इज नॉट ओवर फोर पाई टू पाई आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पार थ्री बाई टू अगर आपने रिंग के सेंटर पर फील्ड को निकालना है रिंग के सेंटर पर फील्ड को निकालना है तो जस्ट पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो अगर आप एक्स इक्ल टू ज़ीरो क्योंकि रिंग ये था और पॉइंट पी एक्स दूरी पर था ये पॉइंट पी सड़क के कहाँ पे आ गया सेंटर पे तो सेंटर पे यदि आ गया तो एक्स कितना हो गया, Zero हो गया. X जीरो हो गया एक्स यदि ज़ीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड एट देंटर ऑफ द रिंग

मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर रिंग कैरिंग करंट इज इक्वल टू टू पाई आई बाय आर 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 म्यू बाई ओवर फोर पाई इन टू टू पाई आई बाय आर ठीक है बेटा तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट देंटर ऑफ ए रिंग ना बेटा हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क कैरिंग करंट ठीक है बेटा अब हमारे पास सर्कुलर कंडक्टर है और उसकी आर्क है और इट इज कैरिंग सम करंट उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एट द सेंटर ऑफ द आर्क ये देखिए बेटा ये हमारे पास एक आर्क है और इस आर्क के कारण इस पॉइंट दैट इज देंटर ऑफ दिस सर्कुलर आर्क इस पर हम क्या निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट इसमें आई कैरी हो रहा है इस तरह से और बेटा इसको अगर एंड्स को जोड़ें आर्क के तो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज व्हाट अल्फा एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज अल्फा अब हम ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख सकते हैं डायरेक्शन देखने के लिए क्या करेंगे अपने दाएं हाथ की हथेली को करंट की डायरेक्शन में टर्न कीजिए ये कर दिया तो थम किस डायरेक्शन में है इन साइड द प्लेन ऑफ बोर्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है इन साइड द प्लेन ऑफ दी बोर्ड पर पेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द बोर्ड अब आप देखिए बेटा इसके कारण आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं इसमें एक स्मॉल पोर्शन लेट अस से r इज रेडियस ऑफ दी सर्कुलर आर्क r क्या है रेडियस है सर्कुलर आर्क का इसमें एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन dl लेंथ का काट लीजिए dl लेंथ का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा करंट के डायरेक्शन में dl लेंथ का डायरेक्शन ऐसे है dl वेक्टर ये dl लेंथ सबटेंड कर रही है डी एल और आर वैक्टर के बीच में टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस तो नब्बे डिग्री का एंगल है ठीक है बेटा तो इस स्मॉल पोर्शन dl के कारण फील्ड निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं एट तो देखिए बेटा डी बी इज इक्वल टू म्यूनाट ओवर फोर पाई म्यूनाट ओवर फोर पाई इंटू आई I डी एल आई इंटू डी एल साइन नाइनटी साइन नाइनटी बाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये आया फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस स्माल पोर्शन डी एल एट दिस पॉइंट ओ ठीक है बेटा दैट इज इक्वल टू ओवर पाई साइन नाइनटी क्या होता है वन अब डी एल आर और डी एल्फा के बीच में कोई रिलेशनशिप है यस yes. लेंथ ऑफ आर्थ इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स एंगल तो आई कैन से डी एल इज इक्वल टू आर इंटू डी एल्फा डी एल इज इक्वल टू आर इंटू डी एल्फा अब डी एल जो है दैट इज इक्वल टू आर इंटू डी एल्फा अब बेटा आप देखिए दिस विल बीवल टू स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड विल बीवल टू म्यू नाट ओवर फोर पाई आई इंटू आई इन टू आर डी एल्फा तो ये आर जो है मैं नीचे आर स्क्वायर से काट रहा हूं तो ये आ गया आई बाई आर मोर पाई आई बाई आर इन डी एल ये क्या है मैगनेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल पोर्शन ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्कुलर आर्क ठीक है ड्यू टू दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ डी एल दैट कट इन स्मॉल इन दिस आर्क ठीक है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है डी बी इज इक्वल म्यू नॉट ओवर फोर पाई आई बाई आर इन डी एल्फा अब बेटा मैं निकालना चाहता हूं पूरी आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे इंटीग्रेट तो बी इज इक्वल टू इंटीग्रल अब देखो बेटा एल्फा कहां से वेरी करेगा जीरो से लेके एल्फा तक क्योंकि आप आर्क यहां से काटना शुरू करें तो आप अल्फा एंगल तक आर काट सकते हैं तो ये हो गया एंगल वेरी करा जीरो अल्फा तक तो ये इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी बी को म्यूनाट ओवर फोर पाई आई बाई आर इंटू डी अल्फा ठीक है बेटा तो ये देखिए ये सब कुछ तो कांस्टेंट है डी अल्फा का इंटीग्रल हो जाएगा अल्फा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो देखिए बेटा बी कितना हो जाएगा बी विल इक्वल टू नॉट ओवर फोर पाई इंटू आई बाई आर इंटू एल्फा फ्रॉम जीरो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्मॉल ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क विच इज अटेंडिंग एन एंगल ऑफ एल्फा एट दी सेंटर इज गिवन बाई देशन मू नॉट ओवर फोर पाई इन आई एल्फा वर आर टू आई एल्फा बाई आर तो दोबारा से बोलेंगे म्यूनाट ओवर फोर पाई इन आई एल्फा आर एक अगर हमारे पास कोई आर्क हो सर्कुलर आर्क हो जो कि सेंटर पर एल्फा एंगल सबटेंड कर रही हो तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एट देंटर इज म्यूनाट ओवर फोर पाई आई एल्फा बा आर एक चीज का खास ख्याल रखना है यहाँ पे कि एल्फा जो है

Uh, कुछ अलाइड चीज़ें देखेंगे जो अभी अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला था द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग कैरिंग करंट ऑन एक्सियल पॉइंट जो हमने निकाला था उसको हम यहाँ पे एनालाइज दोबारा से करेंगे अब आप देखिए कैसे बेटा ये आपको मैंने एक्सप्रेशन बता दिया बीजिको म्यू नाट ओवर फोर पाई इन टू आई एल्फा वाई आर बीड़ो म्यू नाट ओवर फोर पाई इंटू आई एल्फा वाई आर अब मेरे पास यदि एक सेमी सर्कुलर रिंग हो यदि एक सेमी सर्कुलर रिंग हो ये देखिए बेटा सेमी सर्कुलर रिंग ये रहा इसमें करंट आई ऐसे क्लॉकवाइज बह रहा है इसके सेंटर पर आप इसका रेडियस आर है तो ये कितना एंगल सब कर रहा है सेमी सर्कुलर रिंग हमेशा सेंटर पर कितना पाई रेडियंस का एंगल सब करेगा आप देख सकते हैं बेटा पाई रेडियंस का एंगल सब करेगा ठीक है तो अब मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर फोर पाई इंटू आई एल्फा बाई आर एल्फा क्या है यहाँ पे आई इनटू एल्फा कितना है पाई तो पाई आई बाई आर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट सेंटर ऑफ द रिंग इफ़ द रिंग इज कैरिंग चार इज द रिंग इज कैरिंग करंट दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर फोर पाई पाई आई बाई आर देखिए बेटा अभी अभी हमने एक्सियल पॉइंट के लिए सर्कुलर रिंग के एक्सियल पॉइंट पे फील्ड निकाली थी और, सेंटर का और देखो ये कैसा है क्लॉक तो क्लॉक डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है देखिए कर्ल दी डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो अगर आप उसको देखें तो उस लिहाज से फील्ड जो है इनसाइड साइड द्लेन ऑफ बोर्ड है अगर आप सेंटर पर फील्ड निकालना चाह रहे हैं रेडियस तो सेंटर पर फील्ड अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो सेंटर पर कितनी हो जाएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर फोर पाई आई एल्फा एल्फा कितना हो गया सर्कुलर रिंग के कारण जो सेंटर पे एंगल बनेगा दू पाई रेडियंस टू पाई आई बाई आर फोर पाई इंटू टू पाई आई आर दिसनेटिक फील्ड एट दी सेंटर ऑफ ए सर्कुलर रिंग कैरिंग करेंट ठीक है और यह एक्सप्रेशन आप देखिए तो ये मैच करता है जो पहले हमने एक्सप्रेशन निकाला था उसके साथ में इट इज मैचिंग विद ठीक है बेटा अब हमने एक बारी मैं आपके सामने सारे फॉर्मूले लिखूंगा वन बाई वन और आपने उन फार्मूलों को याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू डिफरेंट पॉइंट उनको याद रखना है अब अब देखिए बेटा कैसे ये है इनफाइनटी लॉन्ग लाइन पी पॉइंट आर दूरी पर फ्रॉम लाइन कैरिंग करंट आई तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट इक्वल म्यू नाट ओवर फोर पाई इंटू टू आई बाई आर ठीक है बेटा म्यू नाट ओवर फोर पाई इंटू टू आई बाई आर अगर यही पॉइंट पी एंड के नजदीक होता वन एंड के नजदीक होता तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एंड इक्वल टू आई बाय आर नौ अगर बेटा मेरे पास एक रिंग होता और उसके एक्सियल पॉइंट पर जैसे कि आर दूरी पर आर जो है रेडियस है और एक्स दूरी पर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाह रहा हूं तो इसके कारण रिंग के कारण हमेशा एक्सियल एक्सेस के अलोंग ही जो मैग्नेटिक फील्ड होती और वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती कितनी बी इज इक्वल टू पी पॉइंट पर दैट इज म्यू नॉट ओवर फोर पाई टू पाई आई आर स्क्वाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू ये हो जाती एक रिंग के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अब अगर मेरे पास एक सर्कुलर रिंग होता और आई करंट कैरी कर रहा होता और रेडियस उसका आर होता तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ द रिंग कितनी हो जाती बी इज इक्वल टू म्यूनाट ओवर फोर पाई इंटू टू पाई आई बाई आर ठीक है बेटा अगर मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग होता तो उसके कारण सेंटर पर जो फील्ड होती कितनी हो जाती अगर करंट आई कैरी हो रहा होता और रेडियस आर होता म्यू नॉट ओवर फोर पाई इंटू पाई आई बाई आर अगर मेरे पास एक सर्कुलर आर्क होती जो कि सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही होती अल्फा, और करंट आई कैरी हो रहा होता रेडियस आर होता इस आर्क का तो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडेंसिटी होती दैट वुड हैव म्यू नॉट ओवर फोर पाई इनटू आई एल्फा वाई आर ये सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए ठीक है बेटा इन सारे फॉर्मूलोज का जो है एप्लीकेशन बेस्ड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं तो वन बाई वन ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इन्फाइनिटी लॉन्ग लीनियर कंडक्टर इज़ म्यू नॉट ओवर फोर पाई इंटू टू आई बाई आर अलोंग एंड अगर ये पॉइंट नियर टू वन एंड हो जाता यही पॉइंट तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू म्यूनाट ओवर फोर पाई आई बाई आर हाफ यानी कि हाफ हो जाती और अगर सर्कुलर रिंग होता उसमें कैरी इट वॉज कैरिंग करंट आई तो उसके एक्सियल पॉइंट पे फील्ड क्या हो जाती ये हो जाती बी इज गुड म्यूनाट ओवर फोर बाई टू पाई आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क् की बात थ्री बाई टू और अगर ये सर्कुलर रिंग होता तो इसके सेंटर पर फील्ड हो जाती है म्यूनाट ओवर फोर बाई टू पाई आई बी आर सेमी सर्कुलर रिंग होता तो बी इज गु म्यूनाट ओवर फोर बाई पाई आई आर और अगर ये आर्क होती सर्कुलर आर्क होती और एंगल सबटेंड कर रही होती है अल्फ़ा तो बी वुड है्यूनाट ओवर फोर बाई इन आई एल्फा बाई आर तो ये सारे फॉर्मूले हम लोग फर्दर प्रॉब्लम्स में इनकलगेट करेंगे और इन सारों के ऊपर जो बेस्ड प्रॉब्लम होंगी वो कॉम्बिनेशन होगी लीनियर सेकुलर और सर्कुलर कंडक्टर्स की ठीक है बेटा हाँ जी तो देखिए बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड जो हमने करंट एलिमेंट सीखे थे उन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे कि एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने ले रहा हूं फाइंड दी फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फील्ड इंटेंसिटी एट दी सेंटर ऑफ दी सेमी सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्क तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं एट देंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क देखिए बेटा हमारे पास इस तरह से जो प्रॉब्लम में गिवन है जो फिगर वो इस तरह का है ये एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग लाइन यहाँ पे एक सेमी सर्कल और ये एक और इन्फाइनइटली लॉन्ग लाइन और ये करंट कैरी कर रही है आई आई करंट इज़ बीइंग कैरेट ठीक है बेटा ये हमारा सेंटर है दैट इज ओ और इस पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं अब देखिए बेटा ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन है ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन है इसके यदि आप एक्सिस पे मतलब लाइन पे ही अगर आप देखें किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो वो ज़ीरो होती है तो इस लाइन इसमें तीन पोर्शन हैं वन टू थ्री अब फर्स्ट पोर्शन के कारण अगर आप ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं तो वो ज़ीरो है और ये जो सेकेंड सेमी सर्कुलर आर्क है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है एट द पॉइंट ओ दैट इज़ इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड दैट इज़ लाइक दिस इन साइड द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड इट इज लाइक दिस मैंने क्रॉस से दिखाया इसके कारण फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द्वाइंट ओ इज जीरो ठीक है बेटा तो अब आप देखिए इसका रेडियस हमको आर दे रखा है तो यानी कि इस, प, इस पर इस पॉइंट पर सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड है और वो फील्ड है ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर पोर्शन तो इसके कारण मैगनेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी दिस विल बी बी इज इक्वल टू बेटा नेट फील्ड तो ये होनी थी बी वन प्लस बी टू B3, प्लस बी थ्री ठीक है बेटा प्लस बी थ्री यानी बी वेक्टर इज इक्वल इको बी वन वैक्टर प्लस बी टू वैक्टर प्लस बी थ्री वैक्टर तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये हो जाता है बेटा ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो ये दोनों ज़ीरो हो गए और बी टू इसके कारण कितना हो जाएगा म्यू नॉट ओवर फोर पाई इन टू क्या चीज बेटे इन टू ये है सेमी सर्कुलर तो सेमी सर्कुलर के कारण होता है पाई आई बाई आर सो दिस इज दी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑन दी सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क और इस पर्टिकुलर पोर्शन के कारण अब हम एक और प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ठीक है जिसमें कि अलग सेक्शन okay. दिया हुआ है और उसमें हम लोगों ने फील्ड का पता करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता करना है ठीक है बेटे फाइंड दी फाइंड intensity फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड the फॉर for the फिगर for फॉर the फिगर गिवन बिलो अब देखिए हमें जो फिगर गिवन है बेटा वो इस तरह का फिगर है ये ऐसे ये बीच में यह एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन है ठीक है बेटा और यहां पे आप यह देखिए कि यह सेंट्रल पॉइंट है यानी जो लाइन है दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है लीनियर कंडक्टर है इट इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज देंटर अब देखिए यह करंट यहां पर बाइफरकेट हो गया और बेटा ये करंट आई था तो यहाँ पर i by 2 मतलब अपर the by 2 here इज current goes i by 2 अगेन द करंट here बिकम्स i आपको O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है यू want टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट O अब आप देखिए कैसे करेंगे इसको बेटा इसके कारण इसमें कितने पोर्शन हो गए दिस इज़ वन दिस इज टू सारे पोर्शन्स के कारण ओ पॉइंट पर फील्ड देख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद बेटा इनको हम ऐड कर देंगे और ये कैसा है वैक्टर एडिशन है दिस इज़ ए वैक्टर एडिशन अब आप देखिए बेटा किस तरह से इसको कर सकते हैं देखिए बी वैक्टर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू बी वन वैक्टर प्लस बी टू वैक्टर प्लस बी थ्री वैक्टर प्लस बी फोर वैक्टर ठीक है बेटा ये हो गया हमारा वैक्टर सम दैट इज बी वन वैक्टर प्लस बी टू वैक्टर प्लस बी थ्री वैक्टर प्लस बी फोर वैक्टर अब आप हम लोग इसके कारण इंटेंसिटी क्या होगी ज़ीरो फर्स्ट पोर्शन के कारण द इंटेंसिटी बिकम्स जीरो ठीक है फोर्थ के कारण भी इंटेंसिटी ज़ीरो है अब इस सेमी सर्कल्स के कारण बात करते हैं ठीक है बेटा अब देखिए इतने हाफ सेमी सर्कुलर आर्क ये जो रेडियस है ये हमको आर दिया हुआ है इसके कारण जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके कारण फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी कर्ल दी पाम ऑफ योर राइट हैंड इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट द थंब गिव्स यू दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब आप इसको कर्ल कर दीजिए तो फील्ड कैसे आ गई इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर और इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल कर दूं तो फील्ड कैसे आ गई आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर अब देखिए ये फील्ड इक्वल और ऑपोजिट है ये फील्ड इंटेंसिटी कितनी है आपको सेमी सर्कल के कारण पता है बी टू कितना है बी टू के कारण बी टू के कार इस सेकेंड टू पोर्शन के कारण जो फील्ड है दैट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर और जो नीचे वाला थर्ड पोर्शन है उसके कारण जो फील्ड है दैट इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर सो बी टू इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर फोर पाई इन बेटा पाई आई पाई बाई आर ठीक है और बेटा बी थ्री बी थ्री इज इक्वल टू माइनस क्यों डायरेक्शन चेंज हो गई माइनस म्यू नॉट ओवर फोर पाई इंटू बाई आई आर ठीक है बेटा ये हो गई बी थ्री अब आप देखिए ये फील्ड्स अगर हम सारी ऐड करेंगे ये ज़ीरो है ये भी ज़ीरो है ये ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा दैट द फील्ड एट द पॉइंट ओ बिकम्स जीरो ठीक है बेटा तो फील्ड जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट दी पॉइंट ओ बिकम्स ज़ीरो ये हमने एक तरह की प्रॉब्लम देखी ठीक है बेटा अब हम एक और प्रॉब्लम इससे रिलेटेड देखेंगे नाउ अगेन वी विश टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ एट पॉइंट ओ ठीक है बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं एट दी पॉइंट ओ अब आप देखिए मैं कैसा सेक्शन ले रहा हूं ये हमारे पास तार ऐसे गई ऐसे जाकर ऐसे चली गई और ये टच नहीं कर रही है यहाँ पे ये सर्कल पूरा बना रही है और ये यहाँ पर टच नहीं कर रही है तो बेटा उसको दिखाने के लिए हम लोग इसको स्लाइटली यहाँ पे किंक दे देंगे और ये ऐसे चली गई इज इट क्लियर तो ये हमारे पास अब जो अरेंजमेंट है जो सर्किट है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है यहाँ से करंट आई एंटर करेगा यहाँ जाएगा ऐसे घूमेगा और फिर बाहर आ जाएगा आई करंट एंटर हुआ आई करंट गया और फिर उसके बाद यहाँ से निकल गया आई करंट अब आप देखिए बेटा इसमें जो रेडियस है वो आर है रेडियस जो है वो आर है अब आप देखिए बेटा रेडियस आर है करंट आई जा रहा है लाइक दिस ठीक है करंट आई जा रहा है लाइक दिस अब हमने इस पॉइंट ओ पर ठीक है वी विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग क्या निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं एट द पॉइंट पॉइंट ओ अब ये लॉन्ग वायर है इसके कारण इस point पर मैग्नेटिक फील्ड होगी और डायरेक्शन क्या होगी राइट हैंड पाम रूल से देख लेते हैं देखिए बेटा आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड ये मैं फर्स्ट पोर्शन कह रहा हूं नाउ ड्यू टू दिस रिंग अगेन द फील्ड विल बी आउटसाइड ये हमारा सेकंड पोर्शन एंड दील्ड इज अगेन आउट साइड अब तीसरा सिचुएशन देखिए इसमें थ्री पोर्शन दील्ड विल गेट एडेड अप देखिये बेटा बी वैक्टर इज इक्वल टू बी वन वैक्टर प्लस बी टू वैक्टर प्लस बी थ्री वैक्टर ये तीनों फील्ड्स क्या है एड सम हो गई और इनका वेक्टर सम हमने कर लिया अब आपको पता है कि तीनों पोर्शंस के कारण बिकॉज़ ऑफ दी थ्री पोर्शंस दी फील्ड इज आउटसाइड प्लेन ऑफ़ बोर्ड अब जरा इसको ऐड करेंगे तो अब आप देखिए बेटा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर फोर पाई इन टू इस इनफाइनाइटली लॉन्ग जो तार है इसके लिए ये पॉइंट कैसा है नियर टू वन एंड

ठीक है बेटा और लास्ट बचा ये जो तीसरा पोर्शन इसके कारण अगेन दिस इज द सेम सिचुएशन दैट इज दिस इज ए इन्फाइनाइटली लॉन्ग लीनियर कंडक्टर और इसके कारण अगेन द फील्ड एट दिस पॉइंट ओ ये कितनी हो जाएगी म्यू नॉट ओवर फोर पाई इन टू क्या चीज बेटे आई वाई आर ठीक है बेटा सो so ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई एट दिस पर्टिकुलर ऑल दी थ्री सेक्शन सम हो गया नेट रिजल्ट क्या हुआ इसको आप सम कर सकते हैं म्यू नॉट ओवर फोर पाई इंटू आई बाई आर इंटू बेटा क्या चीज ये आपने कॉमन ले लिया ये आ गया टू अच्छा टू भी कॉमन ले लीजिए टू इंटू पाई प्लस वन

न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाती है अब जीरो मैग्नेटिक फील्ड जहां पे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कैंसल हो जाती है दैट इज़ द रीजन ऑफ़ जीरो मैग्नेटिक फील्ड ठीक है बेटा वो रीजन है ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड का अब ऐसी प्रॉब्लम हमने न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है हमें कुछ लीनियर कंडक्टर्स दिए हुए हैं और उसमें हमने वी आर टू लोकेट द पोजिशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट फॉर दैट तो उसके लिए क्वेश्चन एक ले रहा हूं दैट इज लोकेट द न्यूट्रल पॉइंट लोकेट द न्यूट्रल पॉइंट फॉर 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 द लीनियर कंडक्टर्स लीनियर कंडक्टर्स गिवन बिलो ठीक है बेटा लीनियर कंडक्टर गिवन बिलो अब आप देखिए हमारे पास एक लीनियर कंडक्टर है ये ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ दैट इट इज इन साइड द प्लेन ऑफ बोर्ड ठीक है बेटा ये लीनियर कंडक्टर्स ऐसे दिखा रहा हूँ दैट दे आर इन साइड द प्लेन ऑफ बोर्ड तो एक लीनियर कंडक्टर ये है दूसरा लीनियर कंडक्टर ये रहा और तीसरा लीनियर कंडक्टर ये रहा ठीक है बेटा ये तीन लीनियर कंडक्टर्स हमारे को दिए गए हैं अब आप देखिए इसमें करंट इनसाइड साइड द प्लेन ऑफ पेपर है इसमें करंट आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है और इसमें करंट फिर दोबारा इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है ये तीन लीनियर कंडक्टर्स मुझे दिए गए हैं और करंट्स उनमें इस तरह से हैं ठीक है बेटा अब आप देखिए इसमें जो करंट कैरी हो रहा है दैट इज टू एम्पीयर्स ठीक है इस लीनियर कंडक्टर में जो करंट कैरी हो रहा है दैट इज लेट्स से सिक्स एम्पियर्स और इसमें जो करंट कैरी हो रहा है इसमें लेट से द करंट कैरीड इज बेटा आई विल टेक द करंट कैरिड एस लेट से थ्री एमपियर्स ठीक है बेटे आई एम टेकिंग दिस टू दिस इज सिक्स दिस इज थ्री ये तीन लीनियर कंडक्टर्स हैं ये डॉट क्रॉस का मतलब है द करंट इज इन इन द डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड और इस डॉट का मतलब है दैट द करंट इज़ आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड और बेटा ये क्रॉस का फिर दोबारा मतलब है दैट द करंट इज़ इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड ठीक है अब आप देखिए इन तीनों लीनियर कंडक्टर्स के बीच में जो दूरियं हैं ठीक है बेटा जो दूरियाँ हैं वो हम लोग देख सकते हैं तो आप देखिए वो दूरियाँ है जो हैं इन तीनों लीनियर कंडक्टर्स के बीच में ये है आपस में वन मीटर और ये है टू मीटर हमने इन तीनों के कारण जो न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन है वो लोकेट करनी है वी वांट टू लोकेट दी पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट दैट इज ड्यू टू दिस दीस थ्री करंट कैरिंग कंडक्टर्स तो बेटा मैं इन तीनों कंडक्टर्स को एक लाइन में है ये जोड़ देता हूँ अब आपकी अपनी मर्जी आप पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट कहीं भी मान लीजिए लाइन के बीच में या लाइन के इस साइड पे राइट हैंड साइड पे या इस वाली तार के लेफ्ट हैंड साइड पर न्यूट्रल पॉइंट मानना आपकी अपनी मर्जी पर है अब देखिए बेटा कैसे अब मैं मानता हूं कि लेट्स से ये दूरी x पर फ्रॉम दी फर्स्ट वायर ये पहली तार है ये दूसरी तार है और ये तीसरी तार है पहली तार से जो पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट P है लेट अस से दैट इट इज एट ए डिस्टेंस x उसको हम कह देते हैं दैट इट इज एट ए डिस्टेंस x तो बेटा इस तार के कारण इस तार के कारण जरा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे अंगूठे को कर दो करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को कर दो वहां जहां फील्ड पता करनी है ठीक है बेटा तो अब देखिए ये मैंने अंगूठा यहां पे रख दिया और यहां पर पी पॉइंट की तरफ उंगलियां कर दी और मुझे फील्ड पता करनी है पी पॉइंट पर तो फील्ड कैसे हो गई अपवर्ड्स तो ये फील्ड मैं दिखा रहा हूं काले पेन से अपवर्ड ठीक है बेटा अब सिक्स एम्पियर वाले करंट के कारण फील्ड कहाँ पे आएगी देखेगा इस पी पॉइंट की तरफ मैंने उंगलियाँ कर दी और करंट की डायरेक्शन में कर दिया अपना अंगूठा तो ये देखिए और ये कैसे आ गया डाउनवर्ड्स इसको मैं जो सेकंड के कारण मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं दिखा रहा हूँ विद रेड कलर ये रेड कलर से मैंने दिखा दिया और जो तीसरी तार है हमारी उसके कारण आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसके कारण आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दी इंटेंसिटी अब देखिए बेटा इस तार के कारण अगेन द मैग्नेटिक फील्ड इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन तो तीसरी तार के कारण मैं दिखा रहा हूं ये ब्लू कलर से मैग्नेटिक फील्ड ये है बिकॉज ऑफ दी फर्स्ट वायर

यदि किसके बराबर हो जाए B2 के बराबर हो जाए तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वट विल बी फाइंड आउट वी इज द पोजिशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट तो हमारा एम है x निकालना ठीक है बेटा अब आप देखिए इसके लिए मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा B2 की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट ओवर फोर पाई इंटू टू टाइम्स सिक्स बाई एक्स प्लस वन दिस इज इक्वल टू वट म्यू नॉट ओवर फोर पाई इंटू टू इंटू टू क्या चीज़ बेटे एक्स क्योंकि इस तार की मैग्नेटिक फील्ड जो हम निकाल रहे हैं वो एक्स दूरी पर है तो ये होगी प्लस क्या चीज़ बेटे म्यू नॉट ओवर फोर पाई इंटू टू इंटू थ्री बाई कैचीज एक्स प्लस थ्री ये आ गई डिफीड ठीक है बेटा अब हमें इसको सॉल्व करना है तो इसमें आप देखिए म्यूनॉट ओवर फोर पाई और टू का फैक्टर ये कॉमन आ रहा है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे थ्रू आउट ठीक है बेटा अब हमारे पास क्या बचता है अगर आप देखें तो ये मैं फिगर जो है यहाँ पर यहाँ पर इसकी सॉल्विंग करूंगा सो आई एम रविंग दिस यहाँ पे देखिए बेटा ये बन गया आपके पास सिक्स बाई क्या चीज एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू बाई एक्स प्लस थ्री बाई एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री बाई एक्स प्लस थ्री ये हमारे पास आई एक इक्वेशन इसको अब हम सॉल्व करेंगे देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसे सिक्स अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री एलसीएम और यहां पे आ गया टू टाइम्स एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स ठीक है ये हो जाएगा सिक्स अपॉन सिक्स इंटू एक्स स्क्वास इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स दैट इज इक्वल टू बोलिए बेटा दैट इज इक्वल टू नौ इसको मैं रब करूंगा ठीक है बेटे तो ये हम यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स ये हो गया इंटू एक्स प्लस वन इंटू क्या चीज़ बेटे टू टाइम्स टू एक्स प्लस सिक्स प्लस थ्री एक्स टू एक्स प्लस सिक्स प्लस थ्री प्लस थ्री एक्स ठीक है बेटे अब देखिए ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स इज इक्वल टू ये हो गया एक्स प्लस वन इंटू बेटे फाइव एक्स प्लस सिक्स इंटू फाइव एक्स प्लस सिक्स ठीक है अब इसको आप सॉल्व कीजिए देखिए बेटा मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा यहाँ पे नौ दिस विल बी ना दिस विल बी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर फाइव एक्स स्क्वास एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस इलेवन एक्स प्लस इलेवन एक्स प्लस सिक्स ये हो गया बेटा देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनी एक्स स्क्स स्क्टीन एक्स माइनस इलेवन एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो अब बेटा अगर आप देखें तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं एक्स स्क्वायर नाउ दिस इक्वेशन की वैल्यू एक्स जो है वी कैन सॉल्व बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बेटा ये नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट से एक्स की वैल्यू होगी माइनस सेवन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो गया फोर्टी नाइन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस क्या चीज बेटे ट्वेंटी फोर क्या चीज So, this will be equal to minus 7 plus minus square root of ठीक है बेटा ये आ गया आपका कितना uh, 9 for 13 173 ठीक है बेटा तो ये 73 upon 2 ये आएगा 8 point something तो एक value positive आ रही है और एक वैल्यू कैसी आ रही है नेगेटिव साइड पे जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब है यहां से वो उतनी दूरी पर हो जाएगा ठीक है और जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसका मतलब क्या है कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो इधर कहीं है और वो नेगेटिव वैल्यू आप देख सकते हो जैसे कि ये अप्रॉक्सीमेटली बेटा माइनस सेवन प्लस माइनस एट पॉइंट सिक्स के लगभग जो है ये इसका स्क्वायर रूट है अपॉन टू हो गया तो एक वैल्यू आ गई पॉइंट एट मीटर 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 मतलब इस तरफ इससे चले गए ये आ गया न्यूट्रल पॉइंट ठीक है बेटा और दूसरी वैल्यू जो आ रही है वो है फिफ्टीन पॉइंट सिक्स बाई टू तो ये हो गया सेवन पॉइंट एट माइनस सेवन पॉइंट एट आ रहा है नेगेटिव साइड मतलब इसके लाइन के इधर ठीक है तो दो न्यूट्रल पॉइंट्स पॉसिबल हैं और आपको कोई भी इस तरह की न्यूट्रल पॉइंट की प्रॉब्लम हो तो उसमें देयर इज ऑलवेज द फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दो न्यूट्रल पॉइंट्स आ जाते हैं और अगर आप बाई एजम्शन गलत जगह भी न्यूट्रल पॉइंट मान लेते हैं तो भी जो एक्स है वो नेगेटिव में आ जाता है इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रल पॉइंट दूसरी साइड पर है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो देख लीजिए बेटा ध्यान से नाउ आई विल बी डिस्कसिंग विद यू ए अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग दी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट तो बेटा उसके लिए वी आर हैविंग ए इजियर मैथड टू सॉल्व ठीक है बेटा वी आर हैविंग एजियर मैथड इन विच वी कैन सॉल्व द कॉम्प्लीकेटेड क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन बाई ए वेरी शार्ट टेक्निक उसके लिए हमें वी नीड टू लर्न ए लॉ दैट इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ एम्पियर सर्किटल लॉ अब देखिए बेटा नाउ वॉट इज़ दी स्टेटमेंट ऑफ एम्पीयर सर्किटर लॉ एंड हाउ वी ट्रीट द एम्पीयर सर्किटर लॉ दैट आई विल भी डिस्कसिंग देखिए बेटा एम्पियर सर्किटर लॉ ये कहता है इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू गॉस्थियरम जैसे हमने गॉस्थियरम इलेक्ट्रोसैटिक्स में पढ़ा था उसके सिमिलर है नाउ द स्टेटमेंट इज जस्ट क्लोज पाथ इंटीग्रल क्लोज पाथ इंटीगरल ऑफ बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर कोई भी क्लोज लूप बना दिया हमने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड और उसका इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एन बाय द क्लोज्ड लूप ठीक है बेटा तो देखिए स्टेटमेंट क्या बनी क्लोज पाथ इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड ठीक है म्यूना टाइम्स द करंट इनक्लोज बाई ए बाई दैट पर्टिकुलर लूप विच यू हैव क्रिएटेड आउटसाइड ठीक है बेटा सर्कुलर लूप्स आमतौर तौर पर हम लोग बनाते हैं सर्कुलर रेक्टेंगुलर स्क्वायर लूप्स बेसिकली वी नीड ए क्लोज लूप आउटसाइड ए करंट कैरिंग कंडक्टर अब इसको हम प्रूफ uh, करेंगे इसका प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ यूजिंग दी यूज लॉ ठीक है बेटा तो प्रूफ ऑफ मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा ये स्टेटमेंट होगी आपने नोट कर लिया मेरे ख्याल Uh, they give it a proof of proof of proof of proof of M proof of MPR circuital law using MPR circuital law using it Savart's law using it Savart's law ठीक है बेटा तो हम लोग एमपियर सर्कल लॉ का प्रूफ करेंगे बायट सेवर्ट लॉ से देखिए मेरे पास ये एक लीनियर कंडक्टर है एंड इट इज कैरिंग ए करंट आई लीनियर कंडक्टर कैरिंग ए करंट आई नाउ इसके अराउंड मैं एक सर्कुलर लूप लगा देता हूं और आर दूरी पर मुझे फील्ड पता है आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे पता है आर दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर फोर पाई इन टू क्या चीज़ बेटे टू टाइम्स आई बाई आर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर ठीक है जी इज

अब व्हाट इज दिस डी वेक्टर सपोज नाउ देखिए बेटा डीएल वेक्टर इज ए स्मॉल पोर्शन दैट यू हैव कट हेयर अब अराउंड दी करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस सर्कुलर लूप के कैसा आएगी टेंजेंशियल आएगी और यहाँ पे अगर आपने इस लूप में जो आपने लूप बनाया है आउटसाइड दी करंट कैरिंग एलिमेंट उसमें जो डी वेक्टर की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी वेक्टर वो कैसी है आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब हुआ बी और डी एल के बीच में एंगल कितना हो गया जीरो डिग्री तो अब आप देखिए बेटा दिस विल बी क्लोज पाथ इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट ओवर फोर पाई इंटू टू आई बाई आर ये हमने बी की वैल्यू डाल दी इंटू डी एल इंटू कॉस ऑफ जीरो डिग्री इंटू कॉस ऑफ जीरो डिग्री अब अब देखिए ये कितना हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ सो so, ये देखिए बेटा यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्लोज्ड क्लोज पाथ इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट ओवर फोर पाई ये कांस्टेंट है और बाहर आ जाएगा सो दिस इज इक्वल टू व्हाट म्यू नॉट ओवर फोर पाई इंटू टू आई बाई आर इंटू क्लोज पाथ इंटीग्रल ऑफ डी सो डी एल सारे जोड़ोगे लूप में सारे डी को जोड़ोगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग यू विल बी गेटिंग दिस टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर रूप एंड दैट इज टू पाई आर सो दिस विल बी म्यू नॉट ओवर फोर पाई इंटू टू आई बाई आर इंटू टू पाई आर इंटू टू पाई आर अब आप देखिए ये कितना हो जाता है दिस बिकम्स म्यू नॉट इंटू आई सो दी

एमपियर सर्किटल लॉ से जो है प्रूव कर सकते हैं ठीक है बेटा आप देखिए कैसे मैं आपको दिखाऊंगा नाउ टू प्रूफ प्रूव बावर्ट्स लॉ यूजिंग यूजिंग एम्पियर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ ठीक है बेटा अब आप देखिए बायर्ड सर्वेट लॉ को मैं एम्पियर सर्किट लॉ से भी प्रूव कर सकता हूँ अब आप देखिए कैसे बेटा देखिए ये हमने एक लीनियर कंडक्टर अब हमने देखिए एक इन्फाइन लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट जो है उसके लिए जब हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट पर किसी भी बीच वाले पॉइंट पर तो हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस किया था वी वी हैड गॉन इन फॉर ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस इसको इस एनालिसिस को वी कैन मेक इट सिंपल आल्सो वो कैसे सिंपल कर सकते हैं आप देखिए यूजिंग दी बाइट्स एवेट लॉ बाय्सवेट लॉ की ये एप्लीकेशन है इसको बहुत सिंपल आप कर सकते हैं देखिए बेटा ये हमारे पास एक लूप बना दिया मैंने जिसमें कि हमने इस करंट को इस करंट कैरिंग कंडक्टर को एनक्लोज कर लिया और ये जो रेडियस है इसका आर यानी कि आर दूरी पर आप क्या निकालना चाह रहे हैं आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं आर दूरी पर अब आप देखिए बेटा जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ वायर सेवेट ला क्लोज पाथ इंटीग्रल ऑफ बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर करंट इनक्ट इकम्सोज अब अब यहां पर portion, DL. Portion, DL. Now, b DL vector, जो वायर में dl वेक्टर की डायरेक्शन है वो ये है और इसी तरह से b वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया जीरो तो ये हो जाएगा आपके पास कितना क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल ऑफ BDL डी एल इंटू कॉस ऑफ जीरो ठीक है बेटा दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अब आप देखिए बेटा यहाँ कॉस जीरो बन हो जाता है तो बी हम लोग बाहर निकाल लेंगे क्योंकि आर दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट है आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो बी इंटू क्लोज पाथ इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई तो बेटा यहाँ से b इंटू क्या हो गया dl सारा जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा टू पाई इंटू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई क्या चीज बेटे टू पाई आर जस्ट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाई टू एंड द डिनोमिनेटर बाई टू वॉट यू गेट म्यू नॉट ओवर फोर पाई ये टू से डिवाइड कर दिया और टू से डिवाइड किया है तो टू से मल्टीप्लाई भी करेंगे इन टू बोलिए टू आई बाई आर तो आप देखिए ये सेम एक्सप्रेशन जब हमने इंटीग्रेशन से सॉल्व किया था तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि हमने इंटीग्रेशन इन्वॉल्व की थी और एक लीनियर कंपोनेंट, एक लीनियर कंडक्टर ऑफ लेंथ एल कंसीडर किया था और उसके कारण जब हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी तो ये फिर स्पेशल केस था उस पर्टिकुलर डेरिवेशन का ठीक है बेटा और यही अब हमने देख किया है यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ तो आप देखिए इट हैज़ टेकन ए वेरी स्मॉल टाइम और ये हमने बायर सेवर्ट लॉ का प्रूफ किया है एक तरीके से बायर सेवर्ट लॉ से जो एक्सप्रेशन आता है वही हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है यूजिंग दी एम्पियर सर्किट लॉ ठीक है बेटा सो so ये एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन ठीक